वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज दिव्या गुप्ता. उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, प्यासे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे. तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ हाउ टू शेप एंड मेंटेन योर ब्राउज एट होम. बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है, लेकिन उससे पहले ये मेरा थोड़ा यूट्यूब बैकग्राउंड सेटअप देख लो सस्ता सा. जब मैं यूट्यूब से बहुत सारा पैसा बना लूँगी ना, फिर मैं थोड़ा अच्छा सेटअप भी कर लूँगी, लेकिन अभी फिलहाल आप इसी से काम चला लो. तो यार मुझे यूके आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, और 2 साल में मैं सिर्फ और सिर्फ भगवती की कसम एक ही बार पार्लर गई हूँ, और वो भी अपनी फ्रेंड के साथ गई थी. तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपने ब्रोज करवा ही लेती हूँ, अदरवाइज मैं अपना A to Z काम, यानी कि हेयर ट्रिमिंग, हेयर कट, हेयर कलर, ब्रोज, अपर लिप्स, वैक्सिंग, सब कुछ घर पे ही करती हूँ. कितना पैसा बचाती हूँ ना मैं, वो सारा पैसा बचाया कि मैं अपना बड़ा सा घर लूँगी. एनीवेज, तो या मैं अपना मेकअप भी घर पे ही कर लेती हूँ. मेकअप वैसे मैं करती नहीं हूँ, अदरवाइज़ जब भी कभी मेरे को ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत टचअप की या थोड़ा बहुत मिनिमल सा मेकअप करने की, तो मैं घर पे ही करती हूँ. मैंने ज़िंदगी में एक ही बार पार्लर से मेकअप करवाया था, और वो था मेरा शादी वाला दिन. तब से मैंने पार्लर जाना छोड़ दिया, मतलब इतना ज़्यादा मुझे ट्रॉमा हो गया था. सॉरी, मेकअप वाली आंटी भी देख रही होगी, मतलब मजाक कर रही हूँ. कि तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपको कैमरा में ऐसा दिख रहा होगा कि मेरे तो ब्रोज ऑलरेडी शेव्ड हैं, बट नहीं, मैं थोड़ा क्लोजअप लुक दे देती हूँ आपको. तो मैं अभी आपको टीच करूँगी कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से. एंड उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए थ्रेड. अगर आपके पास ये थ्रेड नहीं है पार्लर वाला, तो आप रील वाला कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हो. बस थोड़ा चेक कर लेना उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी हो. उसके बाद आपको चाहिए ये, क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं मेकअप टूल है, मतलब ये ब्रश सही कहती हूँ मैं इसको. तो आपको ये ब्रश चाहिए, और छोटी सी सीजर चाहिए प्रो वाली. एंड अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भी चलेगा, आप टूथब्रश से काम चला सकते हो. ऐसे ऐसे ब्रश ही तो करना है, और सीजर तो आपके घर होएगी ही. एंड आपको चाहिए ये ब्रो पेंसिल. वैसे ये मेरी भी ब्रो पेंसिल नहीं है, ये लिप लाइनर है, तो मैं इसी से काम चलाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ब्रो पेंसिल मिल नहीं रही थी अभी. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, थ्रेड लेना है, तोड़ के उसको ऐसे यहाँ पे हम नोट बांध देंगे, और इसको ऐसे सर्कल सा बना लेंगे. अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस. कितनी बार करना है, 4 से 6 बार कर लो, मतलब बेसिकली 6-7 बार कर लो आप ट्विस्ट इसको. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके. तो अभी ऐसी शेप होनी चाहिए आपके थ्रेड की, ताकि हम इसको ऐसे चला सके कैची की तरह. बहुत ही ईजी और सिंपल है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अब हो चुकी है. तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि डायरेक्ट अपने आईब्रोज पे मत करना, अपने लेग या थाई या कहीं और पहले करके देख लो. कहीं और मतलब लेग पे ही करोगे ना यार, तो अपनी लेग पे कर लेना. फिर आपकी जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी धागा चलाने की, देन यू कैन गो फॉर योर ब्रोज. ओके, तो पहले मैं बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि मुझे यार फ्लॉन्ट करने थे ना अपने बाल, क्योंकि खुद से कट किए हैं घर पे ये सारी लेयर्स. तो अगर आपने अभी तक मेरे हेयर कट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके हेयर कट वाली वीडियो भी देख सकते हो. ला 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 ला. ओके, तो सबसे पहले मैं अपने ब्रोज को ब्रश कर रही हूँ नीचे की तरफ. जब आप ब्रोज को नीचे की तरफ ब्रश करते हो, तो आपको ये ऊपर एक्स्ट्रा बाल दिखने लगेंगे. यही बस आपको निकालने हैं. ये आप ट्वीज़र से भी निकाल सकते हो, लाइक प्लक कर सकते हो, या आप थ्रेड से भी कर सकते हो. तो मैं बेसिकली ऊपर वाले बाल थ्रेड से करती हूँ, और जो नीचे वाले होते हैं वो मैं प्लक कर देती होती हूँ. दिख रहे होंगे आपको बाल निकलते हुए, राइट? तो मैंने यहाँ पे पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, ब्रो पेंसिल का, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे पर आउटलाइन बना सकते हो, उसके ऊपर जो भी आपको एक्स्ट्रा बाल दिखे वो थ्रेड की हेल्प से आप निकाल सकते हो. बट मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं प्रो हो चुकी हूँ ब्रोज करने में अपने. तो गाइस, अभी मैंने जस्ट यहाँ पे प्रॉपर शेप दी है, थोड़ा सा भी थ्रेड लगाया है, आप डिफरेंस देख सकते हो इस ब्रो में और इस ब्रो में. जो बाल हैं ये अभी मैंने कट करने हैं, तो अभी हम नीचे की तरफ की शेप बनाते हैं. तो नीचे के लिए मैं हमेशा 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 प्लकर ही यूज़ करती हूँ, तो आप भी प्लकर ही यूज़ करना है. नीचे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कट लग सकता है. ब्रश को ऊपर की तरफ ब्रश करेंगे लाइक दिस, इसको पीछे की तरफ
ऑलवेज एंड ऑलवेज, या अगर ऊपर करना है तो नीचे की तरफ ब्रश करके, नीचे से करनी है शेप तो ऊपर की तरफ ब्रश करके। तो नीचे जब भी आप प्लक करोगे थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ज़्यादा स्ट्रेच मत करना, रिंकल्स कर जाएंगे अदरवाइज। आपको ब्रश को ऊपर की तरफ ब्रश करना है, देन यू नीड अ सीजर। आप इनको अच्छे से, ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कट करना। ओके, जो भी आपको एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं दैट्स इट। थोड़ा हम शीशा भी देख लेते हैं भाई, कैमरे में दिखाने के चक्कर में मेरी आईब्रो ही ना उड़ जाए कहीं। अब देखो यहाँ से कितना क्लियर लग रहा है, ये वाली चीज़ देखो और ये वाली चीज़ देखो। इन पंजाबी इट्स कॉल्ड परबट्टे। ओके, सो ऑलमोस्ट ये हमारे डन हो चुका है, बस ये जो आगे के थोड़े से बाल रहते हैं हम इनको भी कुछ इस तरीके से प्लक कर देंगे। आगे से ज़्यादा प्लक मत करना, नेचुरल थोड़ा रहने देना, नहीं तो बहुत अजीब लगता है अगर आप ऐसे सीधा ही बना दोगे ना। ये वाली हमारी डन हो चुकी है, देखो कितनी क्लियर लग रही है और कितनी बढ़िया शेप आई है, राइट। तो इसी तरह से मैं दूसरी भी कर लेती हूँ, दूसरी करके फिर दिखाती हूँ। अबे यार गिर जा रहा है ये। तो यहाँ पे दोनों ब्रोज मेरी डन हो चुके हैं, देखो कितनी सुंदर शेप आई है दोनों तरफ। अब लास्ट स्टेप, आपको थोड़ी सी क्रीम लेनी है, क्रीम से अच्छे से मसाज कर दो अपने ब्रोज पे। दैट्स इट। और फेस देखो कितना प्यारा लगने लग गया है, जब हमने आईब्रोज नहीं करवाए होते ना बहुत अजीब सा लगता है, मतलब मैसी मैसी सा लगता है, फेस काला काला सा लगता है, लेकिन जब हमारी शेप प्रॉपर बन जाती है तो चेहरा एकदम निखर सा जाता है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बिल्कुल मुफ्त है यार, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। यहाँ कॉर्नर में मेरी फोटो के ऊपर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो यस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।